नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। कोरोना की मार से देश अभी निकल नहीं पाया था कि एक और खतरनाक बीमारी ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा था, लेकिन ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। समय पर उपचार ना मिले तो बीमारी आपको अपाहिज बना सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। राज्यों की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है, कहीं दवाओं का पहले से स्टोर किया जा रहा है तो कहीं इस बीमारी को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर नोटिफाइड डिजीज इसे घोषित कर दिया गया है। कौन है ये कोरोना का काला साथी, कैसे इससे बचा जा सकता है और कितना खतरनाक है ये बीमारी, कोरोना से जुड़ी जानकारी के बाद इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो क्या है ये बीमारी और क्या है इसका कोरोना से कनेक्शन, बताएंगे आपको हमारे इस खास पेशकश में। तो भारत इन दिनों कोरोना के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो गया वो ठीक भी हो गए, स्वस्थ हो गए, लेकिन उसके बाद भी जंग जारी रखेगी। क्या आप जानते हैं कि कोरोना से रिकवर हो जाना की काफी नकीक है, स्वस्थ हो जाना की काफी नकीक है, उसके आगे भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़नी पड़ सकती है। कैसे देखें, कोरोना का कोहराम देश भर में जारी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले ही एकमात्र संकट नहीं बल्कि कोरोना के इर्द गिर्द भी कई परेशानियां हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी किल्लत तो पेश आ ही रही है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल भी जाती हैं तो आप कोरोना से जंग भी जीत लेते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं। जी हाँ, आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, इतना ही नहीं जान पर भी बना सकती है। और ये बताकर हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई कोरोना से नहीं उसके बाद भी है, क्योंकि अब कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लोगों के ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कारण आंखों की रोशनी गंवाने के मामले काफी सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में डरा देने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना से रिकवर होना तो अपने आप में एक चुनौती ही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी खतरा कम नहीं। भले कोरोना का घातक स्वरूप इस साल सामने आया हो, लेकिन 2020 खत्म होते कोरोना से जुड़ी हैरान और परेशान करने वाली खबरें सामने आई। अब एक बार फिर ये घातक बीमारी देखी जा रही है। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। एक्सपर्ट्स ने बीमारी को बेहद खतरनाक और रेयर बताया। रिसर्च में सामने आया कि बीमारी फंगस से होती है। ये बीमारी उन लोगों में पाई जा रही है जिनका शरीर बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है, और दवाई के सहारे जब बीमारी से जंग जीतने की कोशिश जारी होती है तो और भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो आती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोविड-19 के कारण हो रहा है। पिछले साल इस बीमारी के चलते कई लोगों की जान चली गई, काफी लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, इतना ही नहीं काफी लोगों के जबड़े और नाक को हटाने तक की नौबत आ गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित कोरोना के संक्रमित लोगों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। आंखों में दर्द की दिक्कत आती है, आंखों में सूजन देखी जा सकती है, नाक बंद होने की परेशानी आती है, इतना ही नहीं चेहरे पर सुनपन भी आने लगता है, गाल में सूजन और काली पपड़ी देखी जा सकती है। लक्षण पाए जाने के बाद भी और इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर समय पर उपचार नहीं करवाया जाता तो इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो सकता है, और परिणाम ये है कि अभी तक आधे से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती लक्षण के बाद इन्फेक्शन की पहचान होने और उपचार करवाने में सावधानी बरती जाए, ये जरूरी है। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें। तो हमारी पहली और खास रिपोर्ट में आपने देखा कि भारत में इन दिनों ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं वो लोग इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आपको कोरोना हुआ था, आप स्वस्थ हो गए हैं, रिकवर कर चुके हैं तो आपको ब्लैक फंगस होगा ही होगा। लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से भी परेशानी पेश आ रही है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहती है, देखें। कोरोना
कहा गया नहीं कि ब्लैक फंगस आ गया। आंख, नाक, जबड़े पर फंगस का हो रहा जबरदस्त अटैक। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सावधानी बरतनी। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन दिनों कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन अफवाहों के इस दौर में आपको समझदारी से काम लेना है। ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों की अगर पहचान हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इससे बचने की सलाह दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि जागरूकता और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इसके खतरे से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना के मरीजों में म्यूकर माइकोसिस होता है। अगर आपको लगता है कि कोरोना के मरीज जो रिकवर हुए वो सबसे ज्यादा इसके खतरे के दायरे में आते हैं तो ऐसा नहीं है। अनियंत्रित डायबिटीज, स्टेरॉइड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी वालों को भी इसका खतरा है। लंबे समय तक ICU या फिर अस्पताल में जो मरीज दाखिल रहा हो उसे भी इसका खतरा है। साथ ही किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी इसका खतरा बढ़ जाता है। पोस्ट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट वाले मरीज को भी ब्लैक फंगस का खतरा है। इसके साथ ही कैंसर या वोनिका नाजोल थेरेपी के मामले में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस का अटैक आखिरकार होता कैसे है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक फंगस से बचना है तो जाहिर तौर पर आपको इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है। हवा में फैले रोगाणुओं से ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। रोगाणुओं के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शन का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा मरीज की स्किन पर भी ब्लैक फंगस विकसित हो सकता है, जिससे आपको बचने की जरूरत है। स्किन पर अगर चोट लगी है, रगड़ या जले हुए हिस्सों में भी ब्लैक फंगस दाखिल हो सकता है। कोरोना से रिकवर हुए लोगों पर भी इन दिनों ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को भी ये अपना शिकार बना रहा है। अब आपको बताते हैं म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से आप कैसे बच सकते हैं। धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाएं। मिट्टी, काई या खाद जैसी चीजों के नजदीक जाते वक्त आपको सावधान रहना है। इस दौरान जूते, ग्लव्स, फुल स्लीव टी शर्ट या ट्राउजर आप पहने। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, डायबिटीज पर कंट्रोल रखें, ड्रग और स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल व्यक्ति पर अगर हुआ हो तो उसमें खतरा कम है। ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिटी फायर के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल दवाओं का जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। अब आपको बताते हैं कि अगर ब्लैक फंगस से बचना है तो क्या चीजें आपको नहीं करनी। सबसे पहले इसके लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की बिल्कुल भूल ना करें। खासतौर पर कोविड-19 से अगर कोई मरीज रिकवर हुआ है उस मामले में ऐसी गलती ना करें। फंगल एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए KOH टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की मदद लेने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर डॉक्टर्स इसका तुरंत इलाज करने की सलाह देते हैं तो उसे इग्नोर ना करें। रिकवरी के बाद भी इसके बताए लक्षणों को अनदेखा ना करें, क्योंकि कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन रिकवरी के एक सप्ताह या महीने बाद उभरता हुआ देखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण है तो घबराएं नहीं, टेस्ट करवाएं।
क्योंकि अगर वक्त रहते आप इसका इलाज करवाते हैं तो इसका इलाज संभव है। साथ ही इसे लेकर फैल रही अफवाहों से भी बचें। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें भी तक। कोरोना के साथ साथ एक ऐसी बीमारी जिसने दहशत फैला दी है, वो है ब्लैक फंगस। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बीमारी पर काबू पाना देश के लिए बहुत मुश्किल भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते कोरोना फंगस के मामले अब डराने लगे हैं। आप जरा सोचिए कि इस बीमारी का उपचार भी संभव है। ये बीमारी नई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कोरोना से ज्यादा घातक क्यों बता रखे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण, देखिए। देश में जैसे ही साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, केंद्र सरकार के लिए इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद तमाम कोशिशें की गई, साल 2021 आ चुका है, लेकिन कोरोना का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। इस बीच कोरोना ने कई रूप बदले और कई तरीके से लोगों को परेशान किया, लेकिन अब कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों पर भी कोरोना अपना ऐसा इफेक्ट छोड़ रहा है कि उससे उभरना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, जो इन दिनों कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं और ये मस्तिष्क को अपनी चपेट में ले लेती है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की इस घातक बीमारी से सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर इस बीमारी का ठीक से और समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा बन सकती है। इसे बेहद गंभीर संक्रमण कहा जा रहा है और ये बीमारी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के मुकाबले इस बीमारी की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि संक्रमण संक्रामक नहीं है और पूरी तरह से ऑपरेशन के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर इसका प्रारंभिक अवस्था में आपको पता चल जाता है। अगर इसे पहचानने में देरी कर दी गई, तो मरीज की जान जाने में देर नहीं लगती। कोरोना महामारी की पहली लहर में मेडिकोज ने कोरोना मरीजों में म्यूकर माइकोसिस के मामलों में वृद्धि को और ज्यादा हवा दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो वही शोध के जरिए ब्लैक फंगस और कोविड-19 में अभी संबंध स्थापित करना बाकी है। हालांकि 2020 में कोरोना से रिकवर हुए लोगों में ब्लैक फंगस काफी ज्यादा संख्या में पाया गया है। उन मरीजों में पहले के मुकाबले ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ चुका है। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह स्टेरॉयड है, जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से ये तक बताया गया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं थे या जिन्हें स्टेरॉयड नहीं दिए गए थे, वो भी म्यूकर माइकोसिस से ग्रस्त हुए थे। कुल मिलाकर अब ब्लैक फंगस हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे बचने के लिए इन दिनों कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे खास बात ये कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की तरफ से बताई गई दवाई का ही सेवन करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अनचाही बीमारी ब्लैक फंगस को न्योता दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें भी तक। इसके अलावा भारत में कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति डराने वाली है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की आंखों की रोशनी भी जा रही है, कहीं जाने भी जा रही है। तो कौन कौन से भारत के राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस को लेकर हालात डराने वाले बने हैं, रिपोर्ट में देखे। देश में कोरोना का संकट सितम ढा रहा है। अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग अलग है। हालांकि अलग अलग राज्यों में सरकारों की ओर से हालातों के आधार पर कड़े कदम उठाए गए और कड़े कदम उठाने का नतीजा ये रहा कि अब कोरोना के दैनिक मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन इस राहत से बड़ी आफत अब देश के सामने है और वो है ब्लैक फंगस। जैसा कि नाम से ही लगता है, ब्लैक फंगस आपकी जिंदगी को ब्लैक कर सकता है। जी हाँ, ब्लैक फंगस एक गंभीर इन्फेक्शन है जिससे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। तो
तो लोग जान भी गंवा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अब ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। करीब 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं, और अब इन राज्यों में कितना खतरा है आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि बीमारी में मरीजों की आंखों की रोशनी चले जाना और जबड़े और साथ ही नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है, और स्थिति ऐसी हो जाती है कि सीधे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। किन किन राज्यों में ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है ये भी जान लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार, पंजाब से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के संदिग्ध पाए गए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का दंश झेल रहे महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 2000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को ब्लैक फंगस के उपचार केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बात गुजरात की करें तो यहाँ पर भी हाल बुरे हैं, और गुजरात में काफी मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने तक की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही ब्लैक फंगस में काम आने वाली दवा की बड़ी मात्रा पहले से ही ले ली गई है, क्योंकि गुजरात में 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। जयपुर में ब्लैक फंगस के 14 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की रोशनी जा चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। एमपी में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक के बेंगलुरु की अगर बात करें तो हालात यहां पर डरा रहे हैं। 2 हफ्तों में यहां ब्लैक फंगस के 38 केस सामने आ चुके हैं। बीमारी से संक्रमित लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है। यहां 60 केस सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के संदिग्ध केस पाए गए हैं, और सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस एक बेहद घातक बीमारी है। इससे बचाव समय पर टेस्टिंग कराना और समय पर उपचार करवाना बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में सचेत रहें, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें, तभी ब्लैक फंगस से बचाव संभव हो सकेगा। ज्योति सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अंबिका। तो ब्लैक फंगस के मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, और बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, यानी अब ब्लैक फंगस को लेकर पैनी नजर रखी जाएगी। देखिए, ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। खतरनाक वायरस को मिला काला साथ। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी तो एक और बीमारी ने राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी। कोरोना को एक और बीमारी का साथ मिल चुका है, जिसकी वजह से कोरोना अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। कोरोना के इस काले साथी का नाम है ब्लैक फंगस। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। हालात ये हैं कि कई मरीजों की इस ब्लैक फंगस की वजह से दर्दनाक मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के कई संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर है। दस्तक हो चुकी है, और इसे लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है, यानी डॉक्टर्स को अब सीएमओ को रिपोर्ट करना होगा और नए केस आने पर जानकारी देनी होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है,
और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ब्लैक फंगस किन लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है और किस तरह से इससे बचा भी जा सकता है, इसके लिए खुद पंचकुला की सीएमओ जसजीत कौर ने खबरें अभी तक पर विस्तार से जानकारी दी। जो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोई ऐसी फंगल इन्फेक्शन हमारे नोटिस में आई है। पहले भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे, चाहे वो कैंसर के मरीज़ हों, एचआईवी के मरीज़ हों, या कई बार जो कुछ दवाइयाँ इम्यूनो सप्रेसेंट्स खाते रहे हैं लोग, उनमें भी ये इसका संभावना थी। पर क्योंकि अब कोविड में जो मरीज़ों के ट्रीटमेंट में जैसे कि स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं या उससे थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हो रहे हैं लोग, और थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे है, जैसे जिसमें अगर वेंटिलेटर पे डाला गया है और उसमें ह्यूमिडिफायर जैसे होता है, तो उसके चलते म्यूकरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, उसमें मात्रा में हमें इंक्रीज पाया गया है कि टाइमली अगर डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज संभव है। एंटीफंगल जो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, पर कई बार हमें शुरू में जैसे सिम्टम्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जैसे साइनोसाइटिस है जैसे, तो उसको हम सोचते हैं कि किसी और वजह से है और थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट में जैसे अपने डायबिटीज़ है और किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और कोविड के पेशेंट भी जो प्रोलॉन्ग्ड उससे स्टेरॉइड्स पे रहे हैं, उनमें खास तौर पे वो विशेष ध्यान दें। ऐसे में कोरोना के इस नए साथी ने वाकई चिंताएं बढ़ाने का काम किया है। ब्लैक फंगस को लेकर सावधान होने की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ये चिंताएं तो ऐसे समय में दोगुना हो जाती हैं जब देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा हो। तो ऐसे में ख्याल रखें और कोरोना के साथ साथ इस ब्लैक फंगस से भी बचें। जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो क्या है ब्लैक फंगस, क्या है इसके लक्षण, क्या उपचार है और क्या बचाव है, तमाम बातें इस खास पेशकश के जरिए आपको बताई। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।